हाँ तो दोस्तों, अभी हमने कटारमल सूर्य मंदिर देख लिया है और अब हम चकोरी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और देखते हैं, 4 घंटे का सफर बता रहा है, अगर हम बायोब्रेक और खाना पीना खाते हुए भी हम चले हैं तो शाम के 6 बजे तक पहुंच सकते हैं। तो चलते हैं, हमारे साथ चकोरी चलिए और हम चकोरी में दिखाते हैं आपको। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल बी क्रिएटिव, एंजॉय प्रेजेंट लाइफ। दोस्तों, हिमालय के हृदय स्थल में बसा चकोरी उन खास स्थानों में से गिना जाता है जहां प्रकृति प्रेमी अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। विशाल हिमालय की अद्भुत पहाड़ियां और वनस्पतियों से घिरा कुमाऊं का यह हिल स्टेशन उत्तराखंड के चुनिंदा सबसे शानदार गंतव्यों में से एक है। दोस्तों, चकोरी हिल स्टेशन यहाँ आने वाले सैलानियों को नंदा देवी, नंदाकोट और पंचकूला पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों को देखने का अवसर प्रदान करता है। यह पर्वतीय गंतव्य समुद्र तल से लगभग 2010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, यहां आप खूबसूरत हरे भरे बागों के साथ चाय के बागान भी देख सकते हैं। जानकारी के अनुसार, जहां चाय के बागानों की शुरुआत औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों ने की थी, हिमालय की शानदार पहाड़ियों के बीच रिफ्रेशिंग माहौल का आनंद लेने के लिए आप यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, चकोरी आप कभी भी आते हैं तो वहाँ देखने लायक ऐसे कोई स्पॉट इतने नहीं है। चाय के बागान एक आध और मिल जाएगा आपको, बाकी वहाँ का सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ की सुंदरता, वहाँ का वेदर और आपको नंदा कोट और पंचाचूली, ये जो है शिखर हैं, आपको दिखते हैं और आप आनंद ले सकते हैं। एक छोटा सा हिल स्टेशन है, कोई ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं है। और दोस्तों, यहाँ से सूर्योदय का दृश्य देखने लायक होता है। जिस वक्त सूर्य की किरणें हिमालय की बर्फीली सफ़ेद पहाड़ियों को सुनहरा करने का काम करती है, एक शानदार अवकाश बिताने के लिए एक आदर्श विकल्प है। दोस्तों, चकोरी अपने स्टेशन जो है वो शांतिपूर्ण भौगोलिक संरचना के लिए पर्यटकों के मध्य काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह एक शानदार टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ परिवार, कपल्स, विदेशी पर्यटक और प्रेमी जोड़े एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। यहाँ आने का सबसे आदर्श समय अप्रैल से जून का होता है। मानसून के दौरान यहाँ भारी वर्षा होती है। अगर आप इस दौरान यहाँ आना चाहते हैं तो मौसम का पूरा जायजा जरूर लें। बरसात के दौरान यहाँ लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर रोड है और रोड चल रहा है और हम चकोरी की तरफ बढ़ रहे हैं और सुंदरता बढ़ती जा रही है। मुझे ये बहुत अच्छा रूट लगा अल्मोड़ा से चकोरी। तो आप ज़रूर चकोरी जाइए और चकोरी वेदर भी बहुत अच्छा होता जा रहा है और हम फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। खाने पीने से लेकर हर चीज़ का एंजॉय हमने करा क्योंकि वेदर ही इतना अच्छा है। तो यहाँ पे ज़रूर आइए। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ आप प्रकृति खूबसूरती का आनंद उठाने के साथ साथ कई तरह की रोमांचक गतिविधियों का भी हिस्सा बन सकते हैं। नेचर वॉक कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, गाँव में भ्रमण कर सकते हैं। आसपास के आकर्षण जो हैं चकोरी में, आप प्रकृति स्थलों की सैर के अलावा आसपास के धार्मिक स्थलों के दर्शन जरूर करें। आप यहाँ कपिलेश्वर महादेव है जो मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर पिथौरागढ़ के सौर घाट में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 10 मीटर अंधेरी गुफा के अंदर स्थित है। दोस्तों, तो ये है चकोरी और ये हमने यहाँ पे रिसोर्ट ले रखा है, सद्भावना रिसोर्ट के नाम से है चकोरी में, बिल्कुल चेक पोस्ट के पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है। और ये देखिए, ये हमारा रूम है, ये बालकनी है पूरी और ये रूम है और आपका यहां से ऐसे दिखता है। और ये देखिए पूरा रूम का टूर चकोरी का 1000 रुपीज में हमें मिल गया था। यहाँ पे इतना ज्यादा महंगा नहीं है, रिजोर्ट ही में 1000 रुपये में पड़ गया है, कोई खास ये वाशरूम ये है। और यहाँ से व्यू सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी बात ये है, अच्छा व्यू है। और हमारी नीचे नैनो खड़ी है, देखिए ये सामने खड़ी है नैनो। और ये देखिए पूरा, और इस साइड में केएमवीएन का है। और सामने ओजस्वी रिसोर्ट भी है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये चकोरी में ही है ये। यहाँ भी गए थे हम पता करने, यहाँ महंगा है थोड़ा, तो हमने यहाँ
यस, ये सब ऐसे छोटे छोटे कॉटेज यहाँ बने हुए हैं, जैसे हमारा एक कॉटेज वैसे आगे ये बने हुए हैं। इधर कैफेटेरिया है, नीचे अच्छे फूल खिले हुए हैं, देखिए कितने बढ़िया फूल खिले हुए हैं लाल कलर के। दोस्तों ये हमारा रिजॉर्ट है और इसका टैरिफ 1000 के करीब है। बार्गेनिंग और करोगे तो और भी हो जाएगा थोड़ा, अगर थोड़ा सा जल्दी आते हो तो। खाने का यहाँ पे बाहर भी होटल्स हैं, ढाबे हैं, और इधर एक भी किचन है अंदर, तो आप जहाँ चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं। ये चकोरी दे दी आप, चकोरी अच्छा है मगर ये डेस्ट जो है दिल्ली से काफ़ी दूर पड़ जाता है, चिल्ली में इसे या तो आप देखिए दोस्तों, ये हमारी गाड़ी है चकोरी में खड़ी हो रखी है, और गाड़ी बिल्कुल अभी तक सही वो दे रही है परफॉर्मेंस। बाकी आगे अभी हमें मुंशहरी जाना है, तो मुंशहरी का देखते हैं। दोस्तों ये देखिए कितना अच्छा रिजॉर्ट है, और वो भी बिल्कुल चीप उसमें, देखिए आगे लॉन भी है बढ़िया, और आगे फूल हैं, देखिए कितने बढ़िया फूल हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फूल पार्क के आगे। गाड़ी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठंडक अच्छी है, देखिए कितने अच्छे फूल हैं, पार्क है तो बढ़िया देखिए आगे। ये कौन सा फूल है, नाम तो मुझे भी पता नहीं, मगर अच्छा लग रहा है काफी। अच्छा एम्बियंस है।
लोग हैं, जो क्राउड आ रहा है, ये कौन से रास्ते से आता है? बागेश्वर होते हुए आता है या नहीं? और क्या बागेश्वर से तो देखा नहीं हमने, तो बस लोकल ही देखे तो आते हुए। टूरिस्ट वहां मुंशियारी जा रहा है, फटाफट मजेदार चकोड़ी और रूम का टूर कराओ जरा एक बार ढंग से दिखाओ, पूरा दिखाओ। तो दोस्तों ये हमारा रूम है और ये इतनी बड़ी बालकनी है, और सामने का व्यू दिखाओ, देख लीजिए सामने का व्यू। इसे बोलते हैं ये है सद्भावना रिजॉर्ट चकोरी। क्या है? सद्भावना रिजॉर्ट चकोरी। हाँ, ये हमारे को 1000 रूपये में रूम पड़ा। और यहाँ से दिखाओ, ये आता है हमारा रूम है, आ जाओ अंदर आ जाओ। और ये रूम है पूरा, यहाँ टीवी लगा हुआ है, और ये बेड है डबल बेड, और ये मैं हूँ, ये शीशा है, और ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, गीजर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये आपका टॉयलेट हो गया, और वहां पे किचन भी है। दिखा दो यहाँ से, इधर से दिखा दो, रेस्टोरेंट है यहाँ उसका भोजन स्वीकार। और ये तमा, और वो रेस्टोरेंट है, ये आपका लॉन है सामने, आगे और है देखिए। तो ये हमारा रिजॉर्ट है चकोरी का, और रात को ज्यादा ठंड नहीं थी, बड़ी अच्छी नींद आई, थकान लगी हुई थी, तो भटकी चुकानी कड़ी और राजमा छोले चावल भांग की चटनी ये सब हमने खाया, बड़ा आनंद आया। और सुबह की चाय पी के यहाँ का जो नजारा था वो बढ़िया लगा मुझे। तो मेरा सभी से रिकमेंडेशन है कि आप चकोरी में कम से कम नहीं तो एक रात जरूर रुकिए। प्लेजेंट मौसम तो है ही है, साथ में आपको नेचर भी देखने को मिलेगी यहाँ, तो यहाँ पे जरूर आइए चकोरी में, और चकोरी का आनंद लीजिए। ओके, तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है मेरे चैनल बी क्रिएटिव एंजॉय प्रेजेंट लाइफ में। दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हैं, हम कुमाऊं टूर पे निकल चुके हैं, निकले थे। सबसे पहले हमने मुक्तेश्वर देखा, मुक्तेश्वर के बाद अल्मोड़ा देखा, अल्मोड़ा के बाद अभी हम चकोरी आए हुए हैं। और आप देख रहे होंगे जैसे कि ये फूल है, देखिए कितने अच्छे खिले हुए हैं। और ये सद्भावना रिजॉर्ट है, सद्भावना रिजॉर्ट है जो कि आपका चकोरी में है, चकोरी में है। और आप ये देखिए होटल सामने ओजस्वी रिजॉर्ट है, जो कि हमें यहाँ पे रूम पड़ा है 1000 रुपये का, बड़ा अच्छा लोकेशन में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्लेजेंट मौसम रहता है यहाँ पे, ठंडी है यहाँ पे इस समय, जबकि जून का महीना चल रहा है, और
देखिए कितना सुंदर पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, ऐसे फूल मैंने देखे नहीं आज तक कभी भी, और आज मैं देखने को मिल रहा है। यहाँ का वेदर जो है बहुत अच्छा है। और अब जो हम हैं वो क्या नाम है, मुंशियारी के लिए जाएंगे, और मुंशियारी के बाद हम पताल भुवनेश्वर जाएंगे। तो यहाँ से मुंशियारी 100 किलोमीटर के करीब है, तो देखते हैं हम कैसे कैसे जाते हैं और हम आपको क्या क्या दिखाएंगे वो हम आपको बताते हैं। तो ये रिजॉर्ट है जो सद्भावना रिजॉर्ट है, आप यहाँ पे जरूर आइए चकोरी में, और एक दिन आप जरूर बिताइए यहाँ पे, बहुत बढ़िया लोकेशन है ये, और आपको मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि यहाँ पे जरूर आनंद आएगा। यहाँ पे और भी यहीं नियर पास में के एम विन का भी रिजॉर्ट है, चाहे वहाँ जा सकते हैं आप, अगर आपका बजट ज़्यादा है। अगर आपका बजट कम है तो ये बजट रिजॉर्ट है जो कि 1000 रुपये पर रूम के हिसाब से मिल जाता है, और आपको खाने पीने की बाहर भी दुकानें और होटल के अंदर भी मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मगर ये दिल्ली से काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो तकरीबन लोकल लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करने आते हैं, दूर वाले कम हैं, या फिर जिनको ज़्यादा शौक है घूमने का वही आते हैं यहाँ देखने के लिए। तो आप आइए, और बिल्कुल सड़क बहुत अच्छा सड़क है, बागेश्वर से लेके यहाँ तक है। बागेश्वर से होते हुए अगर हाईवे से आते हैं कौसानी होते हुए, अल्मोड़ा कौसानी होते हुए और बागेश्वर होते हुए, तो रोड बिल्कुल बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल बी क्रिएटिव एंजॉय प्रेजेंट लाइफ। और अभी हम चलते हैं मुंशियारी की तरफ, मुंशियारी में मिलेंगे। दोस्तों अब हम मुंशियारी के लिए निकल चुके हैं और हमने चकोरी देख लिया है, अच्छा खासा सीनिक व्यू है। यहाँ पे 2-4 टी गार्डन है और हिमालय की जो चोटियां हैं वो तो अभी नीट क्लियर दिखी नहीं है, क्योंकि क्लियर नहीं है मौसम, जब बरसात हो जाती है उसके बाद साफ दिखता है एक तो, और या फिर सर्दी का समय हो अक्टूबर नवम्बर का तब साफ दिखता है। मगर काफी अच्छी जगह है और ठंडी जगह है, आप यहाँ पे आइए और आनंद लीजिए चकोरी का। अभी हम मुंशियारी के लिए निकल रहे हैं, हम मुंशियारी चकोरी से 96 किलोमीटर के करीब है, और इसको लगा के रख बेटा, लगा के रखो। चकोरी से 96 किलोमीटर दूर है, तो हम आज मुंशियारी रुकेंगे और आपको मुंशियारी दिखाते हैं आज। थोड़ा सा यहाँ पे पेट्रोल का इशू है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल जो है वो प्रॉपर ढंग से सप्लाई जो है वो नहीं आ पाती है, तो आप अपना पेट्रोल का फुल इंतजाम करके जरूर आइए। जैसे अभी मेरे को दिक्कत आ रही है, वैसे थल में बोल रहे हैं 2 पेट्रोल पंप है। बागेश्वर रोड पे बागेश्वर से जब हम आ रहे थे चकोरी, तो बीच में 2 पेट्रोल पंप पड़े थे जिसमें पेट्रोल नहीं था, सप्लाई नहीं थी, या उनका कोई और इशू होगा मुझे पता नहीं, मगर सप्लाई नहीं थी वहां। मगर थल में बोल रहे थल में आपको पेट्रोल मिल जाएगा, थल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम थल में पेट्रोल भराएंगे और उसके बाद आगे मुंशियारी के लिए बढ़ेंगे। और जो सीनिक व्यू है कितना अच्छा है, आगे दिखाइए बेटा, आगे दिखाओ सामने, बहुत अच्छा एरिया है, ठंडा एरिया है, लोग तभी यहाँ पे आते हैं क्योंकि एक अच्छा इलाका है, ठंडा इलाका है, लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल में और देखते रहिए मेरा चैनल बी क्रिएटिव इंडिया प्रेजेंट लाइफ, और मुंशियारी की सैर कराते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारी चकोरी की यात्रा आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें। और मुझे चकोरी बहुत ही अच्छी लगा, जगह बहुत अच्छी लगी, और बहुत ही यहाँ पे मैंने जो मौसम का एंजॉय करा, और काफ़ी देर तक मैं सोया, नींद बहुत अच्छी आई रात में क्योंकि मौसम ही इतना अच्छा है। बाकी यहाँ नेचर को आप निहार सकते हो अपने होटल से, अपने होटल में अपने फैमिली के साथ एक अच्छा सा टाइम व्यतीत करो, अपने बच्चों के साथ लेके आइए। और तो आज हम दोस्तों चकोरी को विदा कर रहे हैं, और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, मगर सृष्टि का नियम है, हमें यहाँ से छोड़ के अगले डेस्टिनेशन में जाना है और उसको देखना है, तो ये तो चलता रहेगा। अगर आपको ये जगह इतनी अच्छी है कि आपको यहाँ पे बार बार आने का मन करेगा, तो दोस्तों चकोरी में ज़रूर आइए। मैंने अभी तक जहाँ जहाँ एक्सप्लोर किया है ये भी बहुत बेस्ट जगह है, और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे यहाँ का वेदर है। और अपने समय बताओ, समय लेके आइए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये, बिना समय लिए भाई कुछ नहीं होगा।
क्योंकि आप इतने दूर डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं और उसके बाद आप एक दिन रुके यहाँ, तो वो आप ही के साथ अन्याय हो जाता है। तो अपने साथ न्याय कीजिए, कम से कम 2-3 दिन के लिए। अगर दूर आते हैं, दिल्ली से ये बहुत दूर है, और आप ही के दिन में खिस लो तो वो बढ़िया बात नहीं है। तो यहाँ पे समय बिताइए अपने अपनी फैमिली के साथ में और मज़ा लीजिए चकोरी का। तो दोस्तों, ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए बी क्रिएटिव, इंजॉय प्रेजेंट लाइफ। धन्यवाद दोस्तों। मैं कुछ फ़ोटो संलग्न कर रहा हूँ जो कि हमने चकोरी में खींचे थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसे देखिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।